हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेश बीन की सब्ज़ी। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। ये फ्रेश बीन की फलियाँ थी, धोकर इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। अब हम मैंने 3 से 4 आलू लिए थे, इनको भी बारीक काट लिया है, थोड़ा बारीक बारीक से काटें। अब एक कढ़ाई लें, उसमें 2 से 3 चम्मच, कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालें, मस्टर्ड ऑयल, इसमें जीरा डालें, इसके बाद आप इसमें 1 चम्मच जीरा डालें और थोड़ा सा हींग डालें। जीरे के भुन जाने पर थोड़ा सा हींग डालें और उसके बाद मैंने 2 प्याज बारीक चॉप कर रखी है वो डालकर इनको भून लें। प्याज के भुन जाने पर 3 टमाटर और 1 हरी मिर्च, ये भी बारीक चॉप कर रखे हैं, इनको भी आप भून लें अच्छी तरह से टमाटर को। इसके बाद जब हमारे टमाटर भुन जाएं, तो आप इसमें नमक डालें स्वाद के अनुसार, हल्दी 1/2 चम्मच, मिर्च 1/2 चम्मच और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब टमाटर को अच्छी तरह से भून लें। टमाटर के भुन जाने पर जो हमने फलियां काट कर रखी थी फ्रेश बीन की, वो इसमें डाल दें और 2 मिनट के लिए इन्हें पकाएं। 2 मिनट के बाद आप इसमें कट किए हुए आलू भी डालें और इन्हें मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप इनको ढककर कम से कम मीडियम आंच पर 10 मिनट के लिए पकने दें। 10 मिनट के बाद आप इन्हें फिर चेक करें, अगर हमारे आलू और फली गल गई हैं तो गैस को ऑफ कर दें और हमारी बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।